ये एक प्लॉट का टुकड़ा है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो भूखंड का, जो जमीन का विस्तार होता है, वो कोने से माना जाता है। जो भी जमीन का विस्तार हम जब भी मानेंगे तो उसका कोना बढ़ा हुआ होता है, ये बढ़ा हुआ होगा। इसमें तीन तरीके का, जैसे नॉर्थ ईस्ट बड़ा होता है ना, जो शास्त्रों में भी कहा गया है ईशान बृहत भूमि, ईशान वृद्धि वाली भूमि, इसको अभी तक जो कहा गया है वो इस हिसाब से नहीं कहा गया जो मैं आपको बता रहा हूं। ये ईशान वृद्धि, ईशान कोण ये है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना ये है ईशान कोण। इसमें दो तरह की वृद्धि होती है, आपने देखा होगा ईशान वृद्धि वाली भूमि, अब ये बहुत अच्छी होती है, मानसिक तरीके से बहुत अच्छी होती है, आदमी इसमें बहुत फलता फूलता है, क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है उसकी, पूरा परिवार बहुत अच्छा होता है, अगर ईशान वृद्धि वाली भूमि हो तो। ये आपने देखा ईशान किधर से वृद्धि हो, ईशान वृद्धि ये भी तो हम कहेंगे, एक वृद्धि हो गई ये ईशान में ईस्ट की तरफ से वृद्धि, ये वाली जो वृद्धि होती है ईशान में ईस्ट की तरफ से वृद्धि, ये भूमि अच्छी होती है। न्यू आइडियाज अधिकतर आते रहते हैं, इन्वेंशन वाले लोग रहते हैं कि वो नए नए चीजों को सोचते रहेंगे, नए नए चीजों को इन्वेंट करते रहेंगे, नए नए तरीके देखते। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद वो मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि रखेगा, नई चीजों को विज्ञान में ज्यादा रुचि रखेगा, आर्ट साइड के कम होंगे यहाँ के बच्चे, ऐसे घरों में बच्चे आर्ट साइड के कम होंगे। आप ये अगर कोई भूमि ऐसी दिख जाए आपको तो आप सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि आपके घर में मैथमेटिशियन कौन है, आपके घर में तर्क वितर्क ज्यादा कौन करते हैं, नए नए आइडियाज के साथ तर्क करना, ये ऐसी भूमि पे होती है, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ी हुई ईशान भूमि। ये अगर होती है इधर जैसे न्यू आइडियाज है तो ये लोग प्लानर होते हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते होते हैं, शांत लोग होते हैं, यहां रहने वाले सभी लोग आगे तक, ये लोग प्लानर नहीं होते। एक ये बढ़ी हुई जो भूमि होती है ये वाली, ये लोग प्लानर नहीं होते, ये आइडियाज सोचते हैं, नए नए आइडियाज को सोचते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर पाना नहीं कर पाना दूसरे दिशा की बात होती है। आइडियाज इनको बहुत आते हैं सबको, पूरे परिवार में। और ये जो बढ़ी हुई वृद्धि है, ये जो वृद्धि वाली भूमि है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की तरफ, एक तो ये है, एक है ये और दूसरा है ये जो भूमि है ये प्लानर होते हैं, ये शांत होकर सारी चीजें सोच लेते हैं, इनको पता होता है कि मुझे करना क्या क्या है, एक साल डेढ़ साल दो साल बाद तक की प्लानिंग होती है इनके पास, सक्सेस आदमी होते हैं ये लोग। ये नॉर्थ की तरफ इधर बढ़े हुए, अब ये कटा नहीं, क्योंकि ये भूमि को चारों दीवार मिल गई ना, मास्टर वॉल पूरी मिल गई, तो ये कटा कहीं पर नहीं है, ये वृद्धि है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ी हुई भूमि है। ये लोग जो होते हैं दूसरे वाले, इनके पास प्लानिंग होती है अच्छी, इनकी प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, शांत लोग होते हैं, शांत जब भी आप होंगे ना तो आगे की सोच अपने आप ही अच्छी होती चली जाती। एक होती है ईशान वृद्धि वाली, इसी में आप ले लो, एक होती है फिर इधर से ये और ये, इसमें भी ये पार्ट कटा हुआ नहीं है, दिख रहा है आपको, इसमें भी ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये कटा नहीं है, इसको कटा मत समझिएगा, ये ईशान वृद्धि है। एक प्लॉट आदमी के पास ये है, एक प्लॉट और उसने खरीद लिया ये, उसमें अगर ये पार्ट कटा तब मानते, इस किसी भी पार्ट को हम कटा हुआ तब मानते हैं, अगर ये आधे से ज्यादा हो, यहां से यहां तक हो, आधे से ज्यादा हो, ये अगर ये आधे से ज्यादा होता और इतना होता तो ये पार्ट फिर कट गया, यहां पर ये कटा हुआ माना जाएगा कटा हुआ है। अगर ये आधे से कम है, अगर ये आधे से कम है इतना है तो ये कटा हुआ नहीं माना जाएगा, जिस कोने में बढ़ा है उसमें वृद्धि मानी जाएगी, ये वृद्धि है, ये नॉर्थ ईस्ट वृद्धि वाली भूमि है। इसमें फिर वही नए नए आइडियाज आएंगे। ये भूमि मेरे देखे करीब 20-25 या 50-30-35 जगह मैंने देखा होगा, ये भूमि एवरेजन अच्छा है, अच्छी तरीके की भूमि है, एवरेज है, वैसे अच्छी भूमि है, दूसरे किसी नॉर्थ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि से तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अच्छी भूमि है, मगर इनके पास नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज के चक्कर में ये पुराने काम छोड़ देते हैं, पुराने काम को ये बुरा बोलने लगते हैं, जो ये काम जिससे बने होते हैं, जिससे इस मकान से रह के इन्होंने ये खरीद लिया या जिससे इन्होंने स्टेटस पूरा अपना कायम रखा है अभी तक, ये करने के बाद ऐसे लोग
जो काम इनका पुराना होता है, अब इनके पास आइडियाज इतने होते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट ये ठीक से कर नहीं पाते, बहुत ज्यादा आइडिया में ही फंसे रह जाते हैं। इस टाइप की जो भूमि होती है, सीधे ऐसे कटिंग वाले में वो तो बहुत अच्छी भूमि होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाली भूमि में ये प्रॉब्लम रहती है अधिकतर कि ये आइडिया में फंस जाते हैं। अगर ऐसे लोग आइडिया में ना फंसे, जो आइडिया आए अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लें, या ऐसे लोग हम जैसे किसी बंदे के, आप जैसे किसी बंदे के साथ रहें, उनको अगर ऐसा सजेशन देने वाला कोई रहे कि ये आपके लिए ये आइडिया गुड है और आगे बढ़ो, अब ज्यादा सोचो मत, तो ये तरक्की कर जाते हैं। नहीं तो आइडिया इतने आते हैं कि ये आइडिया के रस में, आइडिया के भीड़ में फंस जाते हैं। ये वाले, इसको एवरेज गुड कह लो, एवरेज से प्लस ही है, ठीक भूमि है। और इसी तरह से जो इधर वाली भूमि होती है, एक ऐसे बड़े के और नॉर्थ की तरफ जो ये हो जाए, ये वाली भूमि भी अगर इसका आदमी इस प्लॉट का, अगर ये प्लॉट साइज छोटा है या मकान में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ऐसे समझिए, इसको कोई रूम बना लेता है या किसी तरह से, यहां तो आदमी किसी तरह से शौचालय वगैरह बनाएगा नहीं, अगर वो कैसे किस कुछ भी करके मंदिर ना रख के, इसमें भी मंदिर ना रख के अगर खुली जगह छोड़ देता है यहां पर करने के लिए, खुली जगह बैठने के लिए, या कुछ ऐसे वाटर फ्लो वगैरह रख लेता है, सारी चीजें खुली जगह रखता है, तो फिर ये भूमि बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो रेमेडी है जो हम लोग आप लोग कराते हैं किसी को। अगर ये प्लॉट सीधा हो और कुछ भी इसमें वो काम कर ले, तो ये प्लॉट फिर बुरा हो जाता है। इसी तरह से इसमें मेरा देखा हुआ है कि इसमें अगर इस वाली भूमि में इसको फिर वो मंदिर में बदल ले, इस बड़े हुए ईशान को मंदिर में बदल ले, तो ये भूमि सही है। अगर इसको वो किसी और काम में लाता है, स्टोरेज वगैरह के काम में लाता है, और काम में लाने का मतलब ये होता है कि डेली साफ किया नहीं जाता, और टाइम डिसाइडेड है कि 40 दिन में राहु का प्रवेश हो जाता है, 21 दिन में यहां पर गुरु से हटने लगते हैं, अगर वहां पर कुछ चीजें जमी रह जाए, तो इसी तरह से टाइम डिसाइडेड है कि इतने ये जो ग्रह हैं इतने इतने दिन में इनका प्रवेश होता है और ये पॉजिटिव ग्रह हटने लगते हैं यहां से, तो उस हिसाब से ये गलत भूमि हो जाती है। नहीं तो ये भी भूमि एवरेज गुड है, एवरेज प्लस है, गुड है, ये ठीक भूमि है। ईशान भरत वाली कोई भी भूमि अच्छी होती है। एक भूमि होती है ईशान बड़े हुए में, चार प्रकार की हो गई। एक भूमि होती है यहां से 90 डिग्री पे नहीं जाएगी, ये रेखा है ये सीधी जाएगी, और यहां से भी 90 डिग्री पे नहीं है, ये भी सीधी जा रही है, ऐसी भूमि होती है। एक्चुअल ईशान वृद्धि जो होती है ना, वो यही होती है। ईशान वृद्धि, नॉर्थ ईस्ट, बढ़ी हुई भूमि जिसको हम बोलते हैं, वो यही बोलते हैं। ये भूमि चार भुजा वाली है, और ये भूमि ओवरऑल तरीके से अच्छी होती है। अगर उस आदमी के किसी तरह से वो कानूनी पचड़े में ना फंस जाए, तो ये हर तरफ से सफल होती है, हर तरफ से ठीक भूमि होती है, पैसा देने वाली होती है, काम करने वाली होती है, भूमि बहुत अच्छी है। ईशान वृद्धि भूमि में अब आपका, आप इसको समझ लो कि इसके आइडियाज भी अच्छे आते हैं, पीस ऑफ माइंड भी इनका बहुत अच्छा रहता है। पीस ऑफ माइंड मतलब शांति उनके अंदर जितनी होगी, वो उतने ही अच्छे प्लानर होते हैं, आइडियाज जितने आएंगे। अगर ईशान वृद्धि वाली भूमि होगी, एग्जैक्ट ईशान वृद्धि वाली भूमि होगी, तो आइडियाज भी आएंगे, प्लानिंग बना के वो आगे काम करेंगे। पूरी ईशान वृद्धि हुई तो, आधी अगर एक तरफ की हुई तो वो यही लाएंगे, और अगर किसी के कंसल्ट में हुए, किसी वास्तु वाले के कंसल्ट में हुए, तो हम लोग ये कह भी सकते हैं कि हम आपके लिए ये काम करते हैं कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वहां से हम आपको निकाल के ले जाते हैं।